मेलों का आयोजन प्राय किसी पर्व एवं त्योहार के अवसर पर किया जाता है। मेला हमारे समाज को जोड़ने तथा हमारी संस्कृति व परंपरा को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसी भावना एवं उद्देश्य को साकार करने की दृष्टि से फिरोजाबाद नगर में भव्यता का रूप लिए हुए SKH महोत्सव एवं शिल्प ग्राम मेले का आयोजन 3 मई से PD जैन मेला ग्राउंड पर किया जा रहा है। उक्त विचार SKH के कार्यकारी निदेशक उमाकांत पचौरी एडवोकेट ने व्यक्त करते हुए कहा कि मेले उत्पादों को खरीदने के लिए बाजार उपलब्ध कराते हैं, जिसमें खाने पीने से लेकर मौज मस्ती की सभी चीजें मेले को आकर्षक बनाती हैं, जिसका प्रारंभ विधिवत पूजन के साथ दोपहर 12 बजे से होगा तथा रात्रि को मेले का फीता काट कर शुभारंभ किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त पुलिस फोर्स के साथ ही महिला पुलिस एवं महिला बाउंसर की भी व्यवस्था रहेगी। मेला आयोजक प्रशांत वशिष्ठ ने मेले की तैयारियों के संदर्भ में बताया कि मेले में हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, रेडीमेड गारमेंट्स, फर्नीचर, ज्वेलरी, सॉफ्टी, चाट, जूस, पॉपकॉर्न केंद्र व बड़ों के मनोरंजन के लिए सर्वप्रथम रेंजर झूला, जो कि फिरोजाबाद की जनता को पहली बार इसका लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही ब्रेक डांस झूला, ड्रैगन मारुति कार सर्कस, जिसमें पहली बार मोटरसाइकिल कार के अलावा बुलेट गाड़ी भी चलेगी, आसमानी झूला, नाव झूला, जादूगर एवं बच्चों के लिए सुनैना जादूगर का शो के अलावा कई सारे छोटे झूले व बच्चों के मनोरंजन के साधन होंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त पत्रकार सुनील वशिष्ठ, दिवजेंद्र मोहन शर्मा, प्रांतीय अध्यक्ष उपजा राकेश शर्मा, कौशल किशोर उपाध्याय, क्षेत्रीय वरिष्ठ पार्षद हरिओम वर्मा एवं प्रमोद राजौरिया के अलावा RS भदौरिया, मेला प्रबंधक महावीर प्रसाद शर्मा, पवन उपाध्याय, विद्या राम राजौरिया, सौराज सिंह, श्री कृष्ण चित्तौड़ी, रिंकू यादव आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता सौराज सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। स्पर्धा जो रखी गई है आज PDR इंटर क्लब के मैदान में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत भव्य स्वरूप के साथ SKH महोत्सव एवं शिल्पग्राम मेला का आयोजन किया जा रहा है PDGN इंटर कॉलेज फिरोजाबाद में। इससे पहले भी हम लोगों ने लाइव वगैरह दिया था, जिसका आज पत्रकार वार्ता रखी गई है। आज पत्रकार वार्ता में श्रीमान उमाकांत पचौरी जो इसमें मेन भूमिका निभा रहे हैं, और SKH चैनल के जो चेयरमैन हैं श्रीमान सुनील वशिष्ठ जी, और ये बड़े भाई भी हैं, और राज्य मुख्यालय से यानी संबंधित हैं, यानी विधानसभा से संबंधित ये पत्रकार हैं। बहुत अच्छा सम्मानी नाम भी है इनका। इन्हीं के बेटे प्रशांत वशिष्ठ जी जो बैठे हुए हैं, ये इसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हम इनको कह सकते हैं SKH चैनल के। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा प्रयास किया है, जिसमें राजेंद्र भदौरिया जी मेला का जो स्वरूप तैयार करा रहे हैं, चाहे उसमें दुकानों की व्यवस्था कर रहे हों या जितने भी ये झूले वगैरह लग रहे हैं, वो सारी व्यवस्थाएं उनके माध्यम से ही आयोजित की जानी है। हमारे साथ बैठे हुए पवन उपाध्याय जी, ये भी बहुत प्रतिष्ठित परिवार से हैं, लेकिन इनका शौक ये है कि निश्चित रूप से हमें ऐसे आयोजन करने चाहिए, समाज जल्दी चाहिए। तो आज मेलों का आयोजन प्राय किसी त्यौहार वगैरह के अवसर पर किया जाता है, तो ये इस समय अवसर हैं, त्यौहार हैं, और पूरा यानी जो इस समय शासन चल रहा है, जिनका शासन है, उस शासन की मंशा के अनुरूप ही आप देखना इसका जो स्वरूप बन के तैयार हो रहा है, बिल्कुल भगवामय होगा, और भगवान राम जो हमारे आदर्श हैं उनके आदर्शों पर चलते हुए होगा। तो कोई इस गलतफहमी में न रहे कि अब संयोग से 3 तारीख है और उस दिन ईद का त्यौहार है, और ये त्यौहार सब मिलजुल के ही मनाते हैं, तो इसमें ये ना कोई ये लगाए कि 3 तारीख को ही आयोजित किया गया, मुहूर्त निकला है 12 बजे कल मुहूर्त है, शाम को फीता काट जो उद्घाटन होगा, और त्यौहार तो हिंदू मुस्लिमों के साथ साथ चलते ही रहते हैं। ये मेला शुभारम्भ कब होगा और कब समापन होगा? देखो, कल हवन पूजन होगा, हवन पूजन के बाद नारियल फोड़ा जाएगा,
विधि विधान के साथ 12 बजे, उसके बाद शाम 7-8 बजे के करीब जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे और सभी महत्वपूर्ण प्रभु ने बनाए जो भी होंगे उनके माध्यम से फीता काट कर इसका उद्घाटन किया जाएगा। लगभग 1 माह तक चलेगा, बहुत शानदार जानदार प्रोग्राम होंगे और हम 2-3 संगठनों से जुड़े हुए हैं। भारतीय सवर्ण संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ किसान यूनियन का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हों, व्यापार मंडल का महामंत्री हों, तो ये सारे प्लेटफॉर्मों से भी हम लोग कार्यक्रम आयोजित कराएंगे। कब सम्मेलन भी होंगे और VIP कार्यक्रम अनवरत पर डे कुछ न कुछ होता रहेगा और मैं तो सभी लोगों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मेले को देखने आए। एक से एक शानदार और जानदार यहाँ पर इस मेले में होने वाले मंच पर कुछ सांस्कृतिक आयोजन की जिससे कि अपने फैमिली देख सके। अरे बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और संस्कारित कार्यक्रम होंगे, देखने लायक होंगे, खाने पीने की व्यवस्थाएँ होंगी, मनोरंजन की व्यवस्थाएँ होंगी, कोई अभद्रता अश्लीलता इस मेले में होगी नहीं, बहुत ही संस्कारित तरीके से होंगे, सरकार की मंशा के अनुरूप होंगे और पूरी सुरक्षा व्यवस्था होगी और झूले वगैरह भी होंगे, पूरे मानकों के हिसाब से होगा, कहीं कोई गड़बड़ झाला नहीं होना है। और आप सभी पत्रकार बंधुओं का, समाज के लोगों का, समाज सेवियों का पूरा सहयोग रहेगा। आए दिन आयोजन होंगे और हम कई एक आयोजन बड़ा सफल तरीके से कराने का हमने भी संकल्प लिया। जी सर, जो प्रेस वार्ता रखी है इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? आप SKH न्यूज़ के चेयरमैन भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुख्य बात यह है कि SKH न्यूज़ महोत्सव जो लगाया जा रहा है उसके लिए जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेले में पधारें और मेले में विभिन्न प्रकार के एक ऐतिहासिक झूला है हुआ है रेंजर, उसका आनंद ले और शांति प्रिय ढंग से मेले में कार्य। पुलिस प्रशासन की सर किस तरह व्यवस्था रखी गई है? पुलिस प्रशासन, मेला शुरू होगा उस दिन से पुलिस प्रशासन रहेगा, पुलिस और पुलिस प्रशासन से हमें पूरा सहयोग है। पुलिस चौकी की हमने अलग निर्माण करा दिया है, इसमें पुलिस प्रशासन रहेगा। पिछली बार भी हमारे पास फोर्स रहा था, इस बार भी पुलिस प्रशासन रहेगा। पुलिस प्रशासन के लिए हम पूरे, हमारी बात भी हुई है और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश भी दिया है कि पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था की जाए। प्रेस वार्ता जो रखी है क्या मुख्य उद्देश्य है उसका? फरीदाबाद नगर में SKH महोत्सव शिल्प ग्राम मेला की लगाया जा रहा है। मेले वास्तव में किसी तीज त्यौहार पर्व का उद्घोषक है। मेले समाज को, संस्कृति को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसी भावना को दृढ़ कर रखते हुए समरसता के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन कल दिनांक 3 मई से किया जाएगा। विधि विधान के साथ इसका 11 बजे इसका पूजन किया जाएगा, शाम को इसका फीता काट कर इसका शुभारम्भ किया जाएगा। इस मेले में जो दूर दूर दराज से जो दुकानें आ रही हैं, तमाम तरह की इसमें झूले इत्यादि सामान लगे हुए हैं, भव्यता का रूप दे रहे हैं, बच्चों के मनोरंजन के सारे साधन यहाँ उपलब्ध हैं, एक ही स्थान पर खान पान और मनोरंजन का यहाँ साधन है। यहाँ की आम जनता को, फरीदाबाद की जनता को एक ही स्थान पर सभी तरह की विविधता का रूप लिए हुए सभी तरह के आयोजन यहाँ दिखाई देंगे। मेला का शुभारंभ कब होगा और कब समापन होगा इसका? कल इसका मुहूर्त निकाला गया है, प्रातः 11-12 बजे के बीच में जो नारियल फोड़कर इसका शुभारंभ किया जाएगा कल मेले का, और पूजन किया जाएगा और कल ही शाम को 7 या 8 बजे इसका फीता काटकर शुरुआत हो जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या कार्यक्रम और कोई न कोई VIP प्रतिदिन यहाँ आता रहेगा, जिससे मेले में एक जागरूकता, लोगों को एक संदेश मिलता रहेगा।